विकास कार्यों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर निर्धारित अवधि में पूरा करें, अधिकारी गोविंद ठाकुर। शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला में चल रहे विकास कार्यों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर निर्धारित अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वह आज अटल सदन में विभिन्न विभागों द्वारा जिला में संचालित किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर आयोजित की गई प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास तथा मांग एक सतत प्रक्रिया है। समय के अनुसार सुविधाओं की अपेक्षा लाजमी है, जिसके लिए परंपराओं से हटकर एक विजन होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की भावना से बेहतर तालमेल से सड़क, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य भवनों, विद्युत तथा पेयजल स्कीमों सहित संचालित की जा रही परियोजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, ताकि जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से जिला कुल्लू का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, तथापि जिला में पर्यटन को और बेहतर बनाने व विकसित करने पर कार्य करने की आवश्यकता है। कुल्लू स्थित ऐतिहासिक कला केंद्र भवन के ऊपर छत लगाने तथा इसे काष्ठ शैलम में सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए जिला भाषा अधिकारी को आगामी प्रक्रिया अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़कों को दुरुस्त करने पर अधिक ध्यान दें, ताकि लोगों तथा वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने भूतनाथ पुल के मुरम्मत कार्य को समय पर न करने पर असंतोष जताया तथा इसे हर हाल में शीघ्र करवाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्या का हल किया जाएगा, लेकिन बहानेबाजी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में भी विकास कार्य किसी भी तरह से प्रभावित न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअली माध्यम से लोगों से जुड़े रहे तथा 4,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास तथा लोकार्पण किए। विभिन्न विभागों में पिछले 10 वर्षों से पड़े बिना खर्च किए 15,000 करोड़ रुपए को निकाला गया तथा कोरोना काल में विकास के कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में विकास के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तथापि बड़ी परियोजनाओं को गति प्रदान कर शीघ्र पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू में मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा स्वास्थ्य संस्थान नहीं है, इसके लिए जिला प्रशासन को कुल्लू में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि तलाशने को कहा गया। जिला में पर्यटन विकास, साहसिक तथा जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ाने व बेहतर बनाने के लिए अलग से रणनीति बनाकर अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे भी अधिक विभागों को नए व्यंजन के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ नया करने की पहल करनी चाहिए, ताकि जिला कुल्लू को एक आदर्श जिला के रूप में विकसित किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह कुल्लू तथा मनाली में अटल आदर्श विद्यालयों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि का चयन करें। ग्राम पंचायत प्रीनी तथा हामटा में कल्चर सेंटर विकसित करने के लिए कहा गया। जिला में संचालित किए जा रहे 11 गौसदनों की वर्तमान स्थिति तथा उनमें व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बजौरा में 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 50 बिस्तरों तथा कटराई में 90 लाख रुपए से बन रहे आयुर्वेदिक अस्पताल भवनों के निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने को कहा गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला में कोविड की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की तथा जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की बेहतर कार्य करने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि आगे सेब सीजन आने वाला है, इसलिए सब्जी फल मंडी के व्यापारियों, आढ़तियों तथा मजदूर वर्ग की समय पर सैंपलिंग तथा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई तैयारियों पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी को मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, वैक्सीनेशन करवाना, सामाजिक दूरी तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाना जरूरी है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने शिक्षा मंत्री का स्वागत किया तथा उनके द्वारा जिला में विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन कर गति प्रदान करने को लेकर दिए गए बहुमूल्य सुझावों तथा दिशा निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं का विभागवार इंजेडा शिक्षा मंत्री के सम्मुख रखा। इस अवसर पर AC2DCS P जसवाल, परियोजना अधिकारी एवं उपनिदेशक DRDA सुरजीत सिंह ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील चंद्र शर्मा, लोक निर्माण, जल शक्ति, वन, विद्युत, कृषि, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल्लू जिला के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और जिसमें पूरे कुल्लू ज़िला में चलने वाले विकास कार्यों
पर समीक्षा की है। मैं इस बात के लिए संतोष व्यक्त करता हूं कि हमारे अधिकतर काम बहुत तेज गति से चल रहे हैं और कहीं पर भी और सभी ने आश्वस्त किया और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हमारे अधिकारी बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हर काम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अपने आप मॉनिटर करते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं। और सारे हो सकते उसके लिए हमने निर्देश दिए कि हर विभाग प्रॉपर प्लानिंग करके उनको जो भी जल्द से पूरा करने के। आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।